नमस्कार, न्यू लॉन्ड्री इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार। आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो हैं फिल्म निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह जी की फिल्म भोर, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी और हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज हुई है। सर, सबसे पहले न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। थैंक यू। भोर फिल्म के बारे में हम बताएं पहले कि भोर फिल्म बिहार की समुदाय है मुसहर जाति, उसके उनकी समस्याओं के गिर्द बनाई गई है। मुसहर समुदाय बिहार में बिहार की कुल आबादी के 3-4% होने के बावजूद आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से आज भी पिछले पायदान पे हैं। इस फिल्म में दो डायलॉग है सर, जो दो डायलॉग है जो मुसहर समुदाय की स्थिति को बताने के लिए मुझे लगता है बिल्कुल सही है। एक जगह पे जो एक परिवार के मुखिया हैं वो कहते हैं कि रे, तूने कभी मुसहर जाति को मिठाई खाते हुए देखा है? और एक और डायलॉग है जब वो वही किरदार बीमार पड़ते हैं तो उनका डॉक्टर कहते हैं कि टट्टी और पेशाब को दिल्ली भेजना होगा जांच के लिए। वो कहते हैं कि हम तो कभी दिल्ली नहीं गए, लेकिन हमारे टट्टी और पेशाब को दिल्ली कैसे भी पहुंचा दो। तो ये स्थिति है बिहार में मुसहर समुदाय की। खुला में खाते हैं, फिर हम तो मुसहर हैं, हम कैसे पखाना बनाएंगे? आज तक इस गांव में मुखिया मुसहर नहीं बना है। पहली बार मुसहर टोली में जलवा दिखाने आ रही है रश्मि बाई। मुसहर सभी बाईजी का नाचना चाहेगा, यही दिन देखने के लिए बचे थे। बाबू से मुंह लड़ाई, कोर्ट से बहुत ऊपर चल जा रहे हैं। सर, फिल्म का नाम आपने भोर रखा है, क्या इसके पीछे कारण रहा भोर रखने के पीछे? क्योंकि भोर का मतलब होता है एक नए दिन की शुरुआत, तो थोड़ा हमें बताएं। देखिए, पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2018 से लेके 2021 तक, 2018 के नवंबर से लेके 21 तक ये फेस्टिवल्स में गई है, तो रिलीज टेक्निकली रिलीज अभी हुई है। तो 2021 की ही रिलीज है ये। और दूसरा, जो भोर क्यों रखा, इस फिल्म में 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो है, एक तो है एजुकेशन, सैनिटेशन और कास्ट सिस्टम। तो और ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, कास्ट सिस्टम को कैसे एम्पावर किया गया है, एजुकेशन किस तरह से वो अंतिम व्यक्ति तक, जो मुसहर मुझे लगता है इस देश का अंतिम व्यक्ति है। तो जहां तक हमारे जो व्यवस्था है उसमें जो विकास को पहुंचने में बहुत समय लग गया है, तो वहां जब ये सारी चीजें पहुंचती हैं, चाहे सैनिटेशन, जब टॉयलेट बनवाया जाता है, जब सरकार टॉयलेट की बात करने लग गई, स्कूलों में पोस्टर्स लग गए हैं, सरकार पैसे दे रही है, तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जब भोर होता है वो एक वो था। जब एजुकेशन पहुंचता है तब भोर उनके लाइफ में कैसे न्यू बिगिनिंग हो रहा है, उसके ऊपर ये सब्जेक्ट है। तीसरा, जब कास्ट सिस्टम में जब एम्पावरमेंट आ रही है तब जो भोर हो रहा है तो उसमें कैसा है। और इस सब के साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो भोर में ही अपने, मतलब सुबह होने से पहले, मतलब सूर्य पूरा उदय होने से पहले और रात खत्म होने के बाद का जो समय है उसमें ही महिलाएं घर से बाहर जाती हैं शौचालय के लिए। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से भोर नाम रखा। सर, जो फिल्म की, फिल्म का पहला शॉट है, हम फिल्म पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, पहला शॉट है उसमें कुछ लड़कियां साइकिल से लौट रही होती हैं और उसके बाद जो दूसरा कैमरा जाता है कि कुछ पुरुष है जो शराब पी रहे हैं और उन लड़कियों की शादी की बात हो रही होती है। तो आपने कहा कि जब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, तो बिहार में जो बिहार अगर देखें कि साइकिल योजना नीतीश सरकार ने शुरू की थी और उस साइकिल योजना से कहा गया कि लड़कियों के एजुकेशन में काफी बदलाव आया, लेकिन वहीं वो लड़की साइकिल से आती है लेकिन दूसरी तरफ उसकी शादी की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि जो भी विकास पहुंचा उस वो अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा कि जिसकी जरूरत थी महिलाओं के सशक्तिकरण की, वो थोड़ा हमें समझाएं। देखिए क्या होता है, एक तो सिनेमा है और क्या है कि शादी तो हो रही है, विकास एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो साइकिल मिला, तो साइकिल जो मिला है तो मुसहर लड़कियों को भी मिला होगा, तो मेरे कैरेक्टर को मिला, ठीक है, पर उसके माता पिता के जो सोच है वो नहीं बदले, ठीक है, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो इसके वजह से बहुत जरूरी है कि उसका विवाह हो जाता है, पर विवाह होने के बावजूद भी क्योंकि उसको जो शिक्षा मिला है, जो स्कूल गई है, जो विद्यालय गई है, उससे जो उसको उसके जो मतलब जो अंदर में जो उसकी जो चेंजेस आई हैं वो रिफ्लेक्ट करता है पूरी फिल्म में। आप बिहार के रहने वाले हैं और ये जो मुसहर जाति है वो बिहार से जुड़ी, बिहार में उनकी संख्या ज्यादा है, तो आप ये बताएं कि आपका मुसहर समुदाय से कैसे और ये कहानी आपके जहन में कैसे आई? क्योंकि बिहार पे कई फिल्में बनी, कई डायरेक्टर हुए जो बिहार को लेकर फिल्में बनाए, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि मुसहर समुदाय से काफी दूर रही,
मैं आपकी फिल्म लास्ट ईयर देखा था और आज फिर देख रहा था इंटरव्यू से पहले, तो मुझे एक फिल्म याद आ रही थी गौतम घोष की जो पार है, उस तरीके का किरदार है, उस तरीके की शबाना आजमी और नसरुद्दीन साहब का पूरा किरदार है। तो बिहार से कई फिल्में बनी, आपने भी देखा प्रकाश झा की कई फिल्में आई, लेकिन ये जो एक बड़ा तबका है वो छूट गया। आपके जीवन में ये बात क्यों आई कि मुझे मुसहरों की कहानी कहनी है, और आपके जीवन में मुसहरों से मुलाकात कब की है? बिहार के राजनीति में तभी भी उनको हिस्सेदारी तो मिली है, एक मुख्यमंत्री, मेरे याद में एक सांसद भी बनी, वो देवी नाम था उनका, 1997 के आसपास लालू यादव की पार्टी से। पर जो सबसे बड़ा चीज क्या है कि और किसी चीज में हिस्सेदारी नहीं मिली, ना कोई यूपीएससी में आज तक कभी बना, अभी कुछ नए जनरेशन के लड़के हैं जो जिन्होंने पीएचडी वीएचडी की है, कुछ प्रोफेसर बन रहे हैं या वकील, अभी 2-3, मतलब जो आबादी 6% के आसपास है उस आबादी से सिर्फ इतने लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वरना लोग गांव में रह रहे हैं, गांव में बहुत गरीबी के स्तर पे हैं। अब होता है कि मैं, क्योंकि मैं जन्मा आसाम में हूँ, समर वेकेशन में जाता था, जब इनको देखता था तो मुझे लगता है गरीब है पर खुश है। बिहार में पटना जिला है तो वहां बीटा के पास मेरा गांव है बिलाप में, तो जब मैं उनको देखता था मुझे हमेशा ये लगता था कि ये जो लोग हैं इन तक विकास तो नहीं पहुंचा पर ये खुश लोग हैं। तो जब विकास, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, मजाक करते हैं, जब हमसे संपर्क होता था हमें लगता था हमेशा, तो जब हमने इनको जब एज अ कैरेक्टर सोचा तो मुझे लगा कि बहुत एंटरटेनिंग होगा, प्लस जब, क्योंकि ये लोग बहुत खुशहाल लोग हैं, पर जब इनपे विकास और जब इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये जब विकास को देखेंगे तो किस नजरिए से देखेंगे, उसको सोचते हुए इस फिल्म का निर्माण किया। जी तो सर, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और मैं अपने जीवन में मुसहर समुदाय को काफी करीब से देखा, क्योंकि जिस पंचायत में मेरा घर है उस पंचायत में पूरा टोला है मुसहर टोला। तो जैसे अभी आलू निकालने का दिन चल रहा है, तो जब खेत से आलू निकाल लिया जाता है, जब खेत का जो मालिक है, तो इस समुदाय के लोग पहुंचते हैं और जहां से आलू निकाला जा चुका है उसमें से आलू ढूंढते हैं। जब गेहूं की पटौनी होती है तो ये लोग अभी भी चूहे पकड़ने के लिए जाते हैं। सर, विकास, जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, मतलब और जो भी हमारी सरकारें करती हैं, विकास इन तक तो पहुंचा, लेकिन इनके जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला पाया? बहुत एक कहते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इनके जीवन में बदलाव आपकी भी कहानी में नहीं दिखता, क्योंकि आप 2018 में फिल्म बना रहे थे। फिल्म 2018 के आसपास की सिनेरियो का है या बैक पुराने, जब उनका पुरानी जो स्थिति थी उसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों नजरिए में मुझे दिखता है, जिस गांव में मैंने शूट किया उस गांव में भी विकास नहीं पहुंचा है अभी जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए था। देखिए, पॉलिटिकल विल क्या है वो हम मुझे देखना है, क्या मैं इस समाज का इस्तेमाल करके राजनीतिक रूप से कुछ कर लूं, ये एक होता है। दूसरा, इन तक मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं, इन तक जो चीजें नहीं पहुंची है वो इन तक पहुंचाऊं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रतिबद्धता में कुछ कमी रही होगी, वो चाहे सरकार या समाज, हम भी उसके हिस्सेदार हैं, कि जो हमारे साथ लोग थे वो क्यों उस पूरे के पूरे जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसमें वो हिस्सा क्यों नहीं बन पाए। तो मुझे उस बात का हमेशा कचोट था, इसकी वजह से मैंने ये फिल्म बनाई, ताकि वो पॉलिटिकल, मेरा मैं समाज कार्य का छात्र रहा हूं, मुझे हमेशा लगता है कि मुसहरों का इस्तेमाल हुआ है कोई राजनीतिक, जो वो समझाना चाहिए, स्कूल में पढ़िए, स्कूल आपको कितना चेंज करता है, जो रिजर्वेशन उन तक पहुंचाना, क्योंकि उनको भी वो रिजर्वेशन उन तक पहुंचता और उनके बच्चे भी अगर IAS IPS और अलग अलग सर्विसेज पे जाते तो जरूरी था। जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक वाक्य बताता हूँ कि गोरखपुर के CMO होते थे, तो उनमें कहा कि मैं मुसहरों पे फिल्म, और हॉस्पिटल के बाहर मेरे अंकल थे, उनका इलाज चला था, तो डॉक्टर साहब भी मिलने आए थे, तो रिश्तेदारी में थे वो, तो उन्होंने कहा कि और वो उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो आजकल, तो मैं मुसहरों पे वो कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक फीचर फिल्म बना रहा हूँ उन लोगों पे। मतलब बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताया जो आपने पहले बताया मुझे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर कैसे उनका उल्लू बनाते हैं, उनको कहते कि यार तुम तो बीमार हो और तुम्हारे टट्टी के साथ दिल्ली भेजना पड़ेगा, और वो बेचारा मुसहर, क्योंकि उसने कभी दिल्ली देखा नहीं है, तो उसको लगता है कम से कम मेरा टट्टी के साथ तो दिल्ली चला जाए। वन, दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, दे आर सिंपल पीपल, ठीक है। तो वो बड़ा जरूरी था, मुझे ये सिनेमा में डालना था कि ये लोग बहुत सिंपल हैं, सादा जीवन ये व्यतीत करते हैं, तो ये बहुत जरूरी था मेरे लिए। सर, जो फिल्म के किरदार है, मैंने बताया कि मैंने मुसहर समुदाय को बेहद करीब से देखा है, आपने जो किरदारों के कपड़े हैं, उनके रहने का स्टाइल है, जो बोलने का स्टाइल है, काफी मतलब कहें कि बारीकी से उन सबको पकड़ा है, क्योंकि कपड़े पहनने का स्टाइल देख रहे थे, वो जमीन पे सो जाना, रहना, झुक के जाना,
सर इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी रिसर्च में और अपने किरदार के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे किरदार हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, हम जानते हैं वो दिल्ली में थिएटर करते रहे हैं। देखिए क्या होता है कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और मैं हमेशा चाहता था कि जो वास्तविकता है वही दिखाऊं। मैंने ना हमारी हिंदी फिल्मों में और देखा है कि 5 साल तक सिनेमा में आप जब दिखाते कि 5 साल तक बारिश नहीं हुई और पर जो किरदार हैं उनके कपड़े और वो रो रहे हैं गा रहे हैं कि बारिश नहीं हुई, उनके कपड़े साफ है। तो मेरा बहुत क्लियर विजन था कि अगर मैं फिल्म बनाऊं तो उनके कपड़े मुसहर जैसे होने चाहिए, जो मुसहर गांव के लोग गरीब लोग पहनते हैं वैसे दिखने चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले रिसर्च देखी, बचपन से उनको देखते आए तो हमें पता है कि उनका रेफरेंस क्या है। ये रेफरेंस लेके मैं जब अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास गया बॉम्बे में, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हम ना एक काम करेंगे, उनके चाय के पानी में डाल देंगे और वो पुराना दिखेगा, पुराने में और फटे हुए कपड़े में, जो घिसा हुआ कपड़ा होता है, जो खियाया हुआ होता है, हमारे यहाँ खियाया हुआ बोलते हैं, खियाया हुआ कपड़े में बहुत अंतर होता है। तो मुझे लगा ये प्रिंसिपल डिफरेंस है और मैंने कहा कि आप हमारे साथ चलिएगा और वहां पे जो जरूरत होगी। मैंने कहा नहीं, पटना के बाहर नहीं जाएंगे। तो पहले हम ये फिल्म कोसी में शूट करने वाले थे, बट क्योंकि वहां प्रोडक्शन डिजाइनिंग में बहुत दिक्कतें होती तो इसलिए नालंदा के पास जो मेरे असिस्टेंट थे और जो मेरे साथ इस फिल्म को लिखा है उनके साथ मिलकर हमने ये निर्णय किया कि उनके गांव में शूट करेंगे, नवादा के पास, नवादा और नालंदा के बीच में एक गांव है तो उसमें पिंगरी। तो जब हमने ये निर्णय ले लिया तो हमने ये कहा कि आप चलिए वहां, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि अच्छा, जो मुझे असिस्ट कर रही थी दूसरी एक लड़की है संध्या यादव, मैंने कहा आप कॉस्ट्यूम करिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि हमको क्या चाहिए और आप गांव में घूमिए और वैसे कपड़े निकाल के लाइए और वो ही हम अपने किरदार को पहनाएंगे। तो यही किया हमने, जो ये टायरिंग था पर सेटिस्फेक्टरी था, हम जो चाहते थे स्क्रीन पे जैसा दिखाना वैसा दिखा पाए। जी, इसमें आपने जो आपके किरदार है, जो फिल्म एक्टर है, उनपे कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ज्यादातर किरदार शहर में रहने वाले हैं, उनको उस तरीके से जो एक है कि बारात जा रही है और वो शराब पी के घर जाते हैं, उनकी एक्टिंग पर्सनली मुझे काफी पसंद है क्योंकि वो उस पूरे मूड को जी रहे थे जो हमने मुसर समुदाय को देखा है। दिन भर काम किए, कमाए कुछ पैसे, शाम को शराब खरीदे और सड़क पर पी के गिर गए, वो उनको कैसे आपने तैयार किया? देखिए क्या होता है कि शादी वाले सीक्वेंस के लिए मैं एक बात था, क्या होता है कि पिछले 10 सालों में ना मैंने बॉलीवुड में जितने फिल्में देखी हैं उसमें शादियों को देखा है कि एकदम लार्जर देन लाइफ, ठीक है। अब क्या है, बचपन से हमने देखिए, हम छोटे शहर से आए हैं, शादियां देखिए गांव में, हमारी शादियां भी ठीक ठाक ही होती है, पर गरीब की जो शादी होती है उसको टीवी पे क्यों नहीं एक्सपोजर मिला, उसको भी तो जगह मिलनी चाहिए ना, वो भी इंटरेस्टिंग होता है। सिर्फ जो बड़े महलों में रहते हैं वही सिर्फ मजाक नहीं करते और वही एंटरटेनमेंट का सारा सोर्स नहीं रखते, गांव के लोगों के पास भी है और वो गांव के गरीब आदमी के पास भी है। तो मैं उस गरीब आदमी के शादी को सिनेमा के पर्दे पे उतारना चाहता था। गांव का जो लड़का है उसके जो चश्मा पहनने का अंदाज है वो ये दिखाता है कि वो फ्यूचरिस्टिक है, वो चाहता है कि वो इन सारी चीजों से निकल के एक आगे की जीवन को बनाए, तो इसके वजह से वो चश्मा पहनना है, वो कलर्ड पहनना है, वो सारी चीजें। तो ये सारी जो चीजें थी वो इसलिए मैंने डाला। जब हम फिल्म लिख रहे थे तो हम कुछ जो नोन चेहरे हैं उनके साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे, कुछ नोन चेहरे लड़की हम चाहते थे कि वो न्यू फेस हो ताकि लोग आइडेंटिफाई करें, पर और लोगों को हम लेना चाहते थे। तो हमने इसलिए क्या किया कि नए जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर दिलीप शंकर जी, उन्होंने मुझे कहा उनके बड़े पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं नए कास्ट को ट्रेन करने का, तो उन्होंने कहा, मैंने पहले कहा कि क्या हम गाँव के लोगों को ले, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करने में डरता नहीं हूं, तो मैं सोचा कि गांव के ही कैरेक्टर्स को लेके उनको ट्रेन करते हैं, उनसे फिल्म बनाते हैं। फिर मुझे ये समझ आया कि 1 साल की ट्रेनिंग है, 1.5 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको एक्टिंग की, तो फिर मैंने एक्टिंग स्कूल्स के लोगों को लिए, पर साथ में हमने क्या किया कि उनको गांव की बॉडी लैंग्वेज सिखाई, गांव का रहन सहन सिखाया, खाने की चीजें सिखाई कि कैसे खाना है, कैसे रहना है, और इसमें हम 2 महीने गांव में बिताया हमने और इसमें उनको सिखाया ये सारी चीज। तो पूरी फिल्म देखने के बाद एक चीज जो मुझे खटकी, तमाम किरदारों ने अपने किरदार काफी अच्छे से पकड़ा था, लेकिन जो आपकी फीमेल लीड एक्ट्रेस है उनकी जो भाषा है वो दिल्ली से है, मैं उनको जानता हूँ, उनकी जो भाषा है वो भोजपुरी को या मुसहर समुदाय को या पटना को उस तरीके से नहीं पकड़ पाती। और एक चीज और है जो श्याम बेनेगल की अंकुर फिल्म को लेकर भी कही गई थी मेरे सिनेमा के टीचर, वो कहते थे उस फिल्म में देखना सवर्ण आजम का आईब्रो बना हुआ है,
जबकि उनको ऐसे परिवार से बिलोंग करके एक ऐसी जाति से जहाँ आईब्रो बनाने का कल्चर है, ये सब चीजें, तो आपके किरदार का भी आईब्रो बिल्कुल वैसे बना हुआ है? नहीं, आईब्रो नहीं बनवाया मैंने, मेकअप नहीं किया मैं अपने मेकअप मैन से, मेकअप मैन मेरा जो मेकअप मैन है वो मैं उसके साथ 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसको हमेशा ये बात कहा कि तुमने मिट्टी लगाने के पैसे लिए हमसे, ठीक है, बाल पे गाल पे, हमने कोई मेकअप नहीं किया, और इसके वजह से उनको 2 महीने गाँव में रखा था ताकि उनको वो हो। दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 चीजें हैं। मैं पहले बिहार के कैरेक्टर्स को खोज रहा था, ठीक है, मैं हमेशा मजाक भी करता हूं और पर कि बिहार में इस समुदाय से, क्योंकि मुझे कलर टोन के लोग चाहिए थे, उस कलर टोन के थोड़ा डस्की कलर के लोग चाहिए थे, मुझे वैसे कोई एक्टर नहीं मिला जो बिहार से हो जिसका वो जुबान हो जो वो कर सके। अब 2 महीने में कोई इतना जुबान पकड़ नहीं सकता, उसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग इज ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस। लैंग्वेज कभी कभी क्या होता है वो भाषा को ना पकड़ पाए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है पर सेकेंडरी है। पहले आप एक्ट करें वैसा दिखे, क्योंकि इट्स अ विजुअल मीडियम, फर्स्ट इट कम्स विजुअल देन इट कम्स द ऑडियो, ठीक है। ऑडियो में क्योंकि मुझे उस संवाद से उस भावना को एक्सप्रेस करनी, ठीक है, तो मैं उस भावना को एक्सप्रेस करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज किया उस चीज पे, मैं चाहता था पहले, पर बाद मेरा प्रायोरिटी था इट्स अ विजुअल मीडियम, सो फर्स्ट आई वुड मेक द कैरेक्टर लुक द वे दे आर, ठीक है, दे एक्ट द वे आई वॉन्ट, देन इट कम्स द डायलॉग। डायलॉग में पहले भावना एक्सप्रेस हो रही है नहीं, उसके बाद वो एक्सेंट आ रहा है नहीं। एक्सेंट वॉज द लास्ट प्रायोरिटी विच कुड नॉट हैपन एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट, बट या आई एक्सेप्ट इट जी। पर क्या आप देखिए, अब मैं एक बात बताता हूँ, आप बिहार से संबंधित है इसलिए आपको ये बात पता है, जो बिहार से संबंधित नहीं है उसको ये बात पता नहीं, पर उसको लगता है कि ये हाँ ये जो बात है ऑथेंटिक कर रहे हैं, ऐसे लोग दिखते नहीं है, तो ये सिर्फ बिहार में ये बात है कि बिहार के एक्सेंट नहीं है ये। मुसहर समुदाय पे आप फिल्म बना रहे थे, जिस समुदाय को काफी सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको आप जानते हैं कितना खर्चा आता है फिल्म बनाने में, तो आपको इस बात का भी तो डर रहा होगा कि कौन खरीदेगा, कौन पैसे ढंग से लगाएगा, फिल्म कैसे मार्केट में जाएगी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कितनी बार देखिए पैसा लगाने वाला मिल गया था मुझे, ठीक है, मतलब मेरे जो प्रोड्यूसर साहब है अंजनी कुमार सिंह जी, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, मुझे मेरी जो है वो डायरेक्ट करने का मौका दिया मुझे। बच्चा देखिए, आप एज एन आर्टिस्ट ना इतना सोचते नहीं है कौन खरीदेगा कौन मुझे। मैं जब कहानी सुना रहा था कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को, तो उन लोगों ने कहा कि इसको एक काम करो शहर में तब्दील कर दो, एंड आई नो योर क्राफ्ट, यू कैन डू इट वेल, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में ही काम करता रहा हूँ तो लोगों को जानता हूँ, लोगों के संपर्क में रहा हूँ। पर मुझे पता था कि मुझे गाँव की कहानी कहनी है, मुझे मुसहरों की कहानी कहनी। देखिए आपके आप एज अ फिल्म मेकर, देखिए ये आपकी बेटी की शादी जैसी ही होती है, आप बेटी की शादी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ठीक है। वैसे ही मैं 18 साल का था जब मैंने सिनेमा सोचा, ठीक है, तो आज 37 साल का हूँ, ठीक है, तो 9-10 साल जिस तरीके से सोचा है और बचपन से भी यही सोचता रहा हूँ कि फिल्म बना, तो ये मेरे लिए मेरी बेटी की शादी की तरह था, मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, जिसको बेचना है वो बेच लेगा, मेरा काम है मेरी जो कला है उसको उभार के उसको ऑनेस्टली बना देना, ठीक है, उसके बाद जिसको खरीदना है वो मुझे पता है, और उसको ईमानदारी से बनाना। हमने बना लिया फिल्म तो लोगों ने मुझे कहा यार गांव की फिल्म बनाओ, यू शुड, एंड बहुत बड़ा मतलब बहुत नामचीन डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कहा यार ये फिल्म ना तुम्हें 5D में शूट करना चाहिए था, और एक्टर्स यार इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, तो मैंने कहा हो गए, तो बोला एक्टर्स को तो पैसे नहीं देना चाहिए, और कैमरा आई डोंट थिंक जो तुमने कैमरा यूज किया है एरी वो यूज नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ठीक है। वो उनकी पर्सपेक्टिव थी क्योंकि वो उसको बेचने की दृष्टि से देख रहे थे। मैं एक कलाकार के रूप में मेरी एक कला जो है मेरी उसके रूप में मैं उसे देख रहा था, तो मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाह रहा था। सर एक सवाल जो मैं बार बार पूछने की और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या था, वो पॉइंट कौन सा था, वो कोई वाक्य कुछ ऐसा, क्या आपको लगा कि मुझे इस समुदाय की कहानी कहनी है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी परेशानी उठानी पड़े, जो भी अपना खर्च करना पड़े, समय खर्च करना पड़े, कुछ पॉइंट रहा हो, कौन सा ऐसा पॉइंट था सर, वो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखिए एक बार निर्णय ले लेता हूँ तो उसे पीछे नहीं हटता, तो मैंने जब ये देखा मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, ठीक है, हम जब दोस्तों के बीच डिस्कस कर रहे थे हमें लगा कि ये कहानी करनी है, ठीक है। जब आपने ये निर्णय ले लिया, देखिए आर्टिस्ट बहुत स्टबन होता है, ठीक है, एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि भैया ये कहानी करनी है। देखिए मुझे मुसहर हमेशा लगते थे कि उनकी कहानी को कहा नहीं गया, जब मैं
कॉर्पोरेट हाउस में भी गया, उन लोगों ने कहा नहीं इस गांव से शहर। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं तो गांव की कहानी, इसलिए नहीं कि मैं कोई रिसर्च करके बहुत बड़ा पढ़ाई करके कि मैं मुझे गांव की कहानी करनी है, तब मुझे रियलाइज हुआ ओ गॉड कि गांव की कहानियां इस मार्केट से इसलिए लुप्त होती जा रही है क्योंकि हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं और शहरों के लोग जो है वो टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक है। तो गांव के लोगों में जहां की इस देश की 60-70% आबादी आज भी गांव में रहती है, तो उनकी कहानियों को क्यों ना कहा जाए। तो मैं चाहता था कि उनकी कहानियों को कहा जाए और इसलिए मैं ये कहानी कह रहा हूँ। सर फिल्म को मैं जब देख रहा था तो मुझे बिहार बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, वो चाहे जातीय स्तर पर हो, अस्पतालों की स्थिति हो जब वो बेड जमीन पे सोए हुए हैं जो आपके मेन किरदार हैं, चाहे वो जो पुलिस व्यवस्था है जब एक लड़की जाती है शिकायत करने के लिए तो एक जो अधिकारी हम कहते हैं कि चले आते हो ऐसी लेके, वहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि आप कास्ट सिस्टम को भी डिफाइन कर रहे हैं कि जो जो आपके अधिकारी हैं वो सवर्ण तबके से हैं और जो शिकायत करता है, इसलिए बार बार बात होती है कि मौके आरक्षण के तहत जिस भी तरीके से मौके दिए जाए ताकि डाइवर्सिटी हो और जो उन जो भी आए उनकी बात सुनी जाए, तो इन सब चीजों को आपने कैसे इसमें अपनी फिल्म में समाहित करने की कोशिश की जो बिहार के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो छुप जाते हैं। देखिए मैं कुछ क्रेडिट इसमें प्रकाश झा जी को देना चाहूंगा, प्रकाश झा जी इस तरह से फिल्में चाहे वो दामूल बनाए हो, मृत्युदंड बनाए हो, तो प्रकाश झा जी क्योंकि आपके गांव आपके समाज से कोई आदमी आके कोई फिल्म बनाए और जो मेरी आर्ट वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो आसाम से मिला है क्योंकि मैं वहां पला बड़ा हूँ, पर जब मैं प्रकाश झा जी की फिल्मों को देखता था तो मुझे हमेशा लगता था कि हमारे समाज के वो हैं। जब मैं कहानी सी एज अ राइटर आप हमेशा क्या देखते हैं कि आपका एक है मेन मुद्दा, उसके अलावा जो आसपास उस समाज में घट रही जो घटनाएं हैं उसको भी आप समावेश करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो उसमें मुझे कास्ट सिस्टम तो दिख ही रहा था क्योंकि अगर कास्ट सिस्टम नहीं होता तो इस प्रकार की चीजें नहीं होती, तो कास्ट सिस्टम रख रहा था, ठीक है। पर कास्ट सिस्टम में भी कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग खराब हैं, ठीक है, तो वो भी दिखाना था। मैं बिना किसी निगेटिविटी के ये पूरी कहानी को कहना चाहता, मैं जब भी अपने दोस्तों से बात करता था कि बिना विलन के भी ना अच्छी कहानी कही जा सकती है, कभी कभी समय विलन हो सकता है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग भी विलन हो सकती है, तो उस बात को करना चाहता था, इसलिए मैंने ये पूरी के पूरे जो विमर्श में इस कहानी को कहा है। तो उसमें चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पलायन की जो बातें हो, जिस प्रकार से मजदूर पलायन करते हैं। अब देखिए एक वे है कि क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है गांव में, दूसरा ये भी है जो खेत में काम करता था मजदूर, क्योंकि खेती मुनाफे का सौदा ही नहीं रहा गांव में तो कहां से लोग उसको करेंगे, चाहे वो सवर्ण जाति के हो चाहे वो पिछड़े जाति के हो, दोनों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आज के डेट पे शहरों में जो वॉचमैन है आप जाके देखिए उसमें सवर्ण जाति के लोग भी है और पिछड़े जाति के लोग भी है, तो ये जो मुद्दा है वो इकोनॉमिक का है, ये जो मुद्दा है आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, उस अर्थव्यवस्था में आपको ठीक करना है उन चीजों को, तो उसको लेके हमने मैंने ये बनाया। मेरा एक डायलॉग है कि ठाकुर साहब क्या खेती नहीं होगा तो वो हमको मजदूरी कैसे देंगे। खेती में अब बात रहा नहीं, अब जब ठाकुर साहब के फसलें नहीं होगा तो हम लोगों के गांव में मजदूरी कहां देंगे। वो ये गाना भी आपके फिल्म में, मैं इस पे आखिरी में आना चाहता था इस सवाल पे, और अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है लेकिन आपने बीच में ही कृषि खेती को जोड़ा, तो ये जो गाना है शुरुआत में भी और बीच में भी आता है, भैया हो भैया हमार घर बड़ा अनाज, बाबू हमार भूखा ले बाड़ में, तो मेरे घर पे अनाज है, मैं किसान हूं लेकिन मेरा बच्चा भूखा है। भैया ओ भैया मजदूर भैया हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखा ले सुते हो राम। नहीं हम किसान खेत अनाज उगाते हैं हाँ। फिर भी हमारे बच्चे भूखे हैं। तो सर ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे सूझा कि मतलब किसान का बच्चा ही भूखा है, हम देख रहे हैं कि भारत में किसान आत्महत्या करते हैं जो खुद अनाज उत्पादन करता है, अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है काफी जगहों पे, इस सवाल में आखिर में आना चाहता था लेकिन आपने बीच में इसका जिक्र किया तो मैं पूछ लेता हूँ। पर देखिए पहला तो मेरा ये है कि मजदूर किसान कौन, जो खेत में काम करता है वो या जो खेत का मालिक है वो, ठीक है, जो खेत में अनाज उगाता है वो या जो अनाज लेके जाता है वो, ठीक है। अगर इस बात का निर्णय हो जाए तो सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती है। हमारे पास जो आज भी जो खेतों में मजदूर काम करते हैं उनके पास सिर्फ एक निवाला ही उसके पास हो पाता है क्योंकि वो वहां से वही अर्जित करता है,
तो मैं उस हिसाब से उन मजदूरों के लिए गाना था, ठीक है। मेरे लिए किसान वो है जो अनाज उपजाते हैं, मेरे लिए किसान उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनका जो हक है वो सुनिश्चित किया जाए, और वो पूरा का पूरा सिस्टम जो प्रणाली है हमारी उसमें एक व्यवस्था क्रिएट करनी होगी जिससे हमको वो दे पाएंगे उनको। जी सर, आपने जो अपने फिल्म का जो मेन पॉइंट है जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं वो बनाया शौचालय, साल 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बारे कहा गया कि स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन की तरह खड़ा हुआ और जगह जगह शौचालय बने, ODF हुआ, गाँव को ODF घोषित कर दिया गया। हाल ही में बिहार चुनाव में बिहार में गाँव ऐसे दिखे जब मैं रात को कहीं से खबर करके लौटता था, गाँव ODF है लेकिन सड़क के किनारे महिलाएं पुरुष बैठे हुए हैं। तो आपको क्यों लगा कि उस समय आप 2018 में फिल्म बना रहे थे, 2014 में 14-15 से ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो गया और टारगेट की तरह शौचालय बनवाए गए, तो आपको क्यों लगा कि ये एक मुद्दा है शौचालय उस समय? क्या है इसके चल रहा था, इसके दो मुद्दे हैं, दो पहलू हैं, एक शहरी पहलू है और दूसरा गांव वाली पहलू है। गांव में एक सोच भी है, मैं अगर शौचालय बना भी दूं, मैं आपको 15,000-20,000 रुपया दे भी दूं, आप फिर भी शौचालय नहीं बनवाएंगे, आप सोचेंगे बाहर जाएंगे, क्योंकि सोच में एक समस्या है, उसको ठीक करना है, आपको सेंसिटाइज करना है। तो चाहे मुझे मेरे दादाजी याद है जब वो जीवित थे तो वो जब गुवाहाटी आते थे तो वो बोलेंगे नहीं मैं 10 दिन में 5 दिन में गांव जाना के लिए वो करते थे, वो जिद करते थे, बोलते नहीं वो हगल पे हम हगेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां टॉयलेट शहर है, उनको गांव में अपने खेत में भोर में जाने में अच्छा लगता था। अरे सर भैया, तो खाना तो बन गया लेकिन जो खुला में पिछवाड़े में हवा लगता है ना, वो बात नहीं है। दुनिया बदल रहा है, अब हमको भी ना बदलना होगा। आपकी जो फिल्म है कई अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी है, आपके किरदारों को बेस्ट एक्टर और तमाम अवार्ड मिल चुके हैं, कई जगह दिखाई जा चुकी है, क्या इस फिल्म को आप बिहार के या किसी भी जगह पे मुसहर तबके के बीच लेकर गए ताकि उनमें एक जागरूकता है जिसके लिए फिल्म बनी है, जिसको आप चाहते थे कि उनमें कोई विविधता पाएगा? मुझे देखिए बिहार में जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। देखिए क्या है कि मुझे भी अपनी बहुत सारे काम करने होते हैं, मैंने बिहार सरकार नीतीश जी से को चिट्ठी भी लिखा था कि वो एक बार इस फिल्म को देखें, पर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिए आप एज ए व्यक्तिगत फिल्म मेकर और एक आर्ट फिल्म आप कर नहीं पाते, अगर सरकार चाहे और सरकार करना चाहे तो हम चाहेंगे कि ये करे, पर हमें मदद चाहिए लोगों से, वहां से अगर लोग मदद करें हमें, आई एम विलिंग टू गो। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं जो चाहते हैं कि बिहार में अगर मुझे पूरी छुट्टी मिल जाए, जब जो काम कर रहा हूँ उसे छुट्टी मिल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि 20-25 दिन गांव बिहार में जाऊं और जितने कस्बे हैं बिहार के वहां लोगों को जोड़ूं और वहां पे ये फिल्म दिखाऊं। मैं वो आपके माध्यम से भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, जिसको भी जहां मौका मिले वो ये फिल्म दिखाए और मुसहर समाज को दिखाए ताकि उनको भी ये इंस्पिरेशन मिले। जी जी सर, एक चीज हमें और बताइए कि फिल्म के जो डायलॉग है वो काफी मतलब नया है और वो बिल्कुल कई बार वो जैसे आपने मुझे एक चीज बताया, मुझे लग रहा था वो आपका डॉक्टर सीरियस होकर कह रहा है, लेकिन आपने मुझे बताया कि डॉक्टर टरकाने के लिए या मतलब बहाने मारने के लिए कि इनका लेटरिन पेशाब दिल्ली भेजना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके के जो डायलॉग्स है वो कैसे आप लोगों ने क्रिएट किया, थोड़ा मुझे समझाएं। देखिए जो मेरे साथ जो डायलॉग जो मगही टच है वो जो भास्कर विश्वनाथन है वो वहां रहे हैं तो वो बहुत दिया उन्होंने, मैं रंजन और भास्कर ने मिलकर लिखा है, तो हमने रंजन सोशल वर्क का स्टूडेंट रहा है, मैं भी सोशल वर्क का स्टूडेंट रहा हूँ, बिहार से बहुत इंटरेक्शन रहा है, भास्कर बिहार के ही रहने वाले हैं, तो हम सब ने मिलकर जो भी हमारी आम जिंदगी में बातें होती, जैसे छुआछूत वाली बात है तो वो भाई जी को कह देता कि तुम भी तो दिन में आती हो, तो ये मैंने खुद भी महसूस किया है, तो ये जो सारे डायलॉग्स हैं वो आम जिंदगी में होती है। मुझे किसी ने कहा कि इतना फिल्म में ह्यूमर कैसे है, मैंने कहा कि गांव के लोगों के पास टीवी नहीं होता कि कपिल शर्मा का शो देखेंगे वो, तो वो अपने लाइफ में ही इस चीज को एस्टैब्लिश करते हैं कि किस तरीके से वो बात करें जहां उनको ह्यूमर मिले। जी जी, और आपने एक किरदार है सर कि आपने उसको इतना बेहतरीन पेश किया है, हमने पहले की तमाम फिल्में देखी है उसमें जो ठाकुर साहब का किरदार होता है बिल्कुल नकारात्मक होता है और बहुत इसमें बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके का ठाकुर साहब मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो अपने मजदूर के प्रति या अपने जिस जो उसके जो जो उनके जिंदा हो अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ट्रैवल शोज करता हूं और मुझे पूरा देश घूमने का मौका मिलता है,
जरूर है कुछ लोग जो खराब है, पर मैंने बिहार यूपी में किसी ठाकुर को नहीं देखा जो जूता पहनता हो, बड़ा जूता पहनता हो और हंटर लेता हो अपने हाथ में, कभी भी नहीं देखा। ठीक है, धोती को, और ठाकुर का मतलब नहीं होता कि जो जागीरदार है। ठीक है, और दूसरा, अगर मेरे पास 100 एग्जाम्पल्स हैं जहां ठाकुरों और जो पिछड़े लोग हैं उनमें बहुत अच्छी समन्वय की का संबंध था और इसके वजह से वो जीवित रहे, चाहे वो मेरे दादा रहे हो, मैं मेरे दादा खेतीहर थे, मैं ठाकुर तो नहीं कहूंगा, ठाकुर शब्द इसलिए हमने इस्तेमाल किया क्योंकि वो प्रचलन में है। ठीक है, सब किसान थे हमारे यहाँ, और जो किसान के साथ जो काम करते थे, किसान उसका ख्याल रखता था। ठीक है, तो वो जो किसान का ख्याल रखने की जो व्यवस्था थी, मैंने वो दिखाने की कोशिश की, और वो होता रहा है, वो हर गांव में उस व्यवस्था में दिखाया गया, मेरे गांव में है, मैं राजस्थान के गांव में भी जाके देखता। मैंने कोरोना जब हुआ तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, वो होटेलियर है आजकल, तो उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि कैसे चलेगा, तो होटल से लोगों को निकाला गया। उन्होंने कहा मैं होटल से नहीं लोगों को निकाल सकता क्योंकि मेरे बाप दादाओं के साथ ये लोग काम करते रहे, तो मेरा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका ख्याल रखूं। तो ये जो भाव है, ख्याल रखने का भाव, वो बहुत लोगों में रहा है। ये जो समन्वय समाज का, की जो ये समन्वय की स्थिति है, ये अगर मैं ना दिखाऊं तो ये मेरे लिए चीटिंग होगी। मैं इसलिए, मैं इस कहानी में, और फिल्म मेकर का हमेशा काम होता है कि जो सिस्टम चल रहा होता है, जो आप प्रेडिक्ट करते हैं अपने जीवन में, उससे अलग दिखाए और वो वास्तविक हो। तो ये मेरी कहानियों में मुझे लोगों, लोग मिले, मैं 100 लोग ऐसे गिनवा सकता हूँ जो ऐसे रहे हैं, और मैं इसलिए ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं। सी, यू नीड टू सी द गुड साइड ऑल्सो समटाइम एंड शो गुड पीपल ऑल्सो, ताकि लोगों के एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं। सर, आपके जो किरदार थे उसमें कोई एक, जो भी भीड़ में भी हो या जैसे भी हो, क्या आपने कुछ मुसलमान समुदाय के लोगों को भी शामिल किया था? भीड़ में बहुत सारे मुसर समाज के लोग हैं, मतलब जो सपोर्टिंग कास्ट है उसमें बहुत सारे मुसर समाज के लोग हैं। तो उनको कैसे ट्रेन किया और उनका क्या पूरा? नहीं, वो मुझे, मुझे वो, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता था, वो इतना समझ चुके थे, जो शादी में जितने कैरेक्टर है उनके घर, मैं मुसर के घर में शूट किया मैंने, तो मुसर समाज के लोग थे, तो वो जो आसपास देख रहे थे, जो टीका लगा रही थी, वो सारे मुसर समाज के लोग थी, जो अलता लगा रही हूँ, मुसर समाज, वो नाव है और मुसर समाज के लोग है। तो उनको कैसा हमने ट्रेन किया? क्योंकि बड़े-बड़े कैमरे देखे हो तो उनको लगता होगा क्या है ये, मतलब बहुत बहुत सारी चीज है, बहुत बहुत, मैं यही कह रहा हूँ, वो बड़े अलग किस्म के लोग हैं। पहले 5-10 दिन जब, क्योंकि हम 2 महीना वहां रह चुके थे फिल्म शूट करने से पहले, तो वो तो उनके लिए हम अपने थे, खाना खिलाते थे, हम लोग खाना खाते थे साथ में बैठ के, तो दोस्ती यारी वाली बात थी, तो एकदम बहुत प्यार से उन लोगों ने हमारे साथ काम किया। सर, अब हम पासी जो है वो पासी, असली पासी है, जो ताड़ी उतारता है वो असली ताड़ी उतारने वाला आदमी है। अच्छा, जो आके बैठ के बातचीत करते हैं, उसको उसको 5 दिन की ट्रेनिंग दी हमने कि उसको कैसे बोलना है। जी, और मैं पिछड़े और अगड़े में कभी डिवाइड करना पसंद नहीं करता, पर हाँ, देयर इज अ डिवाइड, पर बहुत लोग हैं जो पिछड़े समाज से इस फिल्म में एक्टिंग करा, उन लोगों ने, मैंने उनका कोई उनसे बात करके नहीं, पर बाद में मुझे पता चला क्योंकि दे यूज्ड टू रिलेट व्हाट आई वाज डूइंग। मेरा ये सवाल था कि जो मतलब जो उस गांव के रहने वाले लोग थे उनको भी क्या सिनेमा में शामिल किया गया? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग, वो जो बच्चा है वो पड़ोस के गांव का है, जो अगुआ है वो पड़ोस के गांव का है, जो वो कैरेक्टर्स हैं वो सारे, वो जो पासी है वो उसी गांव का है, तो आसपास के लोग ही उसमें फिल्म में काम किए। जो वो मुनीम जी है जो ठाकुर साहब के पास बैठे रहते हैं, वो उसी गाँव के, उनका बगल वाला घर है वो, जो ठाकुर साहब वाले घर के बगल में, तो सारे लोग वहीं पे, मुख्य किरदार के अलावा जो भी है वो वहीं से हमने उनको लिया है। सर, अब हम इंटरव्यू के आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपके सिनेमा का आखिरी चरण आता है तो वो दोनों पति पत्नी दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली में भी वो, जहां तक मैं उस जगह को समझ पाया, वो जगह तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास वाला जो झुकी है, अगर मैं सही समझ पाया देखे तो वही इलाका पड़ता है। नहीं नहीं, हमने ये क्रिएट किया था। अच्छा अच्छा, ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास हमने ये क्रिएट किया था। जी जी, तो वो जो पूरा एक दिल्ली आते हैं पलायन करके, जो बिहार के लोगों के लिए बड़े त्रासदी है पलायन, कि हमने माइग्रेशन में देखा कि कितने सारे लोग गए, तो वो माइग्रेशन, माइग्रेट होना और यहाँ भी आके वही जिंदगी जीना, जब वो लड़की कहती है जब से हमारा शादी हुआ है तब से हमारा जीवन लैटरिंगे में जा रहा है, वो पलायन होकर फिर आगे उसी दुर्दशा में आ जाना,
थोड़ा हम समझाएं कि आपने ऐसा क्यों किया कि जगह वो स्ट्रगल करके जीत हासिल करती है, दूसरी जगह करके वो हारने लगती है। आपके जीवन में भी आप अगर जोड़ेंगे तो संघर्ष के बाद दूसरा संघर्ष ही होता है। तो मुझे ये लगता है हमेशा कि जो संघर्ष है वो संघर्ष खत्म नहीं होता, ठीक है। और गरीब के जीवन में जो मजदूर है उसके जीवन में वो गांव से इस बात को खोजने आता है शहर में कि उसको दो रोटी मिल जाए, पर रोटी के जगह जो और चीजें जो उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसकी कहानी है वो। आप शहर में तो आ जाते हैं, आपने तो वहां पे टॉयलेट बना लिया, पर यहाँ पे आपके पास फिर टॉयलेट नहीं है, आप यहाँ पे तो बना भी नहीं सकते ना। मैंने एक डायलॉग काटा कि आप यहाँ पे टॉयलेट क्यों नहीं बना लेते, पर यहाँ पे तो जगह ही नहीं है हमारे पास। तो जो मजदूर वहां कम से कम उसके पास रहने के लिए थोड़ी जमीन थी, उसी मजदूर के पास इस शहर में वो जमीन भी नहीं है, इस शहर में उसके पास छत भी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। जी जी। तो सर हम आखिरी चरण में बिल्कुल आपने इंटरव्यू में सर एक चीज और जानना था कि आपने पलायन को, बिहार की जाति व्यवस्था को, तमाम चीजों को दिखाया, बिहार में जो फिल्म शूटिंग है, और आपने एक जवाब ये भी दिया था नीतीश कुमार को आपने पत्र लिखा, बिहार में स्पोर्ट्स खेल कूद भी बिल्कुल हम पिछड़े हुए हैं, सिनेमा भी हम पिछड़े हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश में देखें तो लगातार फिल्में बन रही हैं। बिहार में जो आप थोड़ा हमें बताएं कि आपको सरकार से क्या मदद मिली जब आप ये सब शूट कर रहे थे, सरकार से कोई मदद मिल पाई क्या? वहाँ एक फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड है या वो है जिसको मैंने बाद में क्रेडिट भी दी है, बिहार में एक फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड है जिसको हमने रिक्वेस्ट लिखा था, एप्लीकेशन लिखा था, तो उन लोगों ने हमें परमिशन के लिए सारे पुलिस स्टेशनों में लिख दिया था पत्र। उसके अलावा कभी कोई पुलिस नहीं आई हमारे यहाँ सिक्योरिटी देने को, वो सिक्योरिटी चाहिए भी नहीं थी क्योंकि गाँव के लोग बहुत अच्छे थे। बाद में फिल्म बनने के बाद भी मुझे नहीं लगता, मुझे बेसिकली एक राज्य में, मैं उस राज्य का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे ये कहा गया था कि यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, आप यहाँ पे फिल्म बना लीजिए, और मैंने कहा नहीं, जिस टोपोग्राफी में मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ वो बिहार में ही मिल सकती है मुझे, क्योंकि ये बिहार की कहानी है और मुझे ईमानदारी से बिहार में बनाना चाहिए, तो मैंने बिहार में बनाया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सिस्टम क्रिएटेड है बिहार में। हम अगर सिस्टम क्रिएट करें जिस प्रकार से मैं अभी मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गई है, बिहार में ये सारी व्यवस्था हमें लाना चाहिए और अभी तक आया नहीं है, तो सरकार को सोचना चाहिए इस पे। सर आखिरी सवाल मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ ना पूछा हो, अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। नहीं, मैं आपने सब कुछ पूछ लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपको, और जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैंने बातचीत की शुरुआत में दो डायलॉग फिल्म का बोला था और आखिर में भी एक डायलॉग बोलूंगा जो आपको बताएगा कि फिल्म कैसी है। फिल्म में जो एक मेन किरदार है जो अपने बेटे की शादी कर रहा होता है, वो कहता है कि ब्याह में पूरी सब्जी जरूर खिलाना, तो इसी से मालूम होता है कि जो मुसहर समुदाय उसके लिए पूरी सब्जी भी कितना जरूरी है। तो ये फिल्म बिहार की तमाम समस्याओं को आपके सामने रखेगी, उसमें जाति व्यवस्था है, उसमें कानून व्यवस्था है, उसमें राजनीतिक तमाम चीजें हैं। तो ये फिल्म अभी इमेज प्लेयर में मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। थैंक यू सो मच।